हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिलीशियस फूड्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी पकौड़ा। मेरे कुछ टिप्स को फॉलो करते हुए आप भी इसी तरीके से कढ़ी पकौड़ा इजीली घर पे बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं मैंने इसे कैसे बनाया है। कढ़ी पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम पकौड़े का बैटर तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप बेसन, 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून अजवाइन लेंगे, जिसे हाथों से अच्छे तरीके से मसल लेंगे, जिससे इस अजवाइन का फ्लेवर बहुत अच्छे तरीके से बेसन में मिक्स हो जाए। और इसे एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। पकोड़े तलने के लिए हमें बिल्कुल इसी तरीके का एक स्मूथ बैटर तैयार करना है। आप देख सकते हैं इसमें कोई लम्स नहीं है। अब हम इसे ढक के 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। तब तक हम कढ़ी के लिए बैटर तैयार करेंगे। कढ़ी के बैटर के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप बेसन और सेम कप से 1 कप दही। दही अगर ज़्यादा खट्टी हो तो आप कम ही डालें। साथ ही हम यहाँ डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर और 1 कप पानी, और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि इसमें कोई लम्स ना रहे। देखिए अब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है, इसमें कोई लम्स नहीं है। तो जिस कप से हमने बेसन का मेजरमेंट लिया था, उसी कप से हम 5 कप और पानी ऐड करेंगे। हमने 1 कप पानी थोड़ी देर पहले मिक्स करने के लिए डाला था और 5 कप पानी अभी डाल रहे हैं। टोटल हमने कढ़ी में 6 कप पानी लिया है। तो आप जिस कप से बेसन का मेजरमेंट कर रहे हैं, उसी कप से पानी का मेजरमेंट करें। अब इसे एक बार और अच्छे तरीके से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और हमारा कढ़ी का बैटर बनके तैयार है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। पकौड़े को तलने के लिए मैंने यहाँ पे गैस पे एक पैन को चढ़ा दिया है, जिसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड किया है। ऑयल जब तक अच्छे से गर्म हो रहा है, तब तक हम पकौड़े के बैटर को एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऑयल अब अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें पकौड़े को तल लेंगे। पकौड़े डालते समय हम गैस का फ्लेम मीडियम टू लो ही रखेंगे। हमने पकौड़े के बैटर में सोडा का यूज़ नहीं किया था, फिर भी देखिएगा हमारा पकौड़ा कितना सॉफ्ट बनके तैयार होगा। पकौड़े का बैटर तैयार करते वक्त अगर हम पकौड़े को अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं, तो बिना सोडा डाले ही पकौड़ा बहुत सॉफ्ट बनके तैयार होता है। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान दें और पकौड़े के बैटर तैयार करते वक्त अच्छी तरीके से बेसन को फेंट लें। पकौड़े अब अच्छी तरीके से सिक्के तैयार हो चुके हैं और इसका कलर भी हल्का चेंज हो चुका है, तो इसे हम बाहर निकाल लेंगे। सारे पकौड़े को फ्राई करके निकालने के बाद मैंने यहाँ पे सेम पैन में 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल दिया है और साथ ही यहाँ पे डाल देंगे 1/4 टीस्पून जीरा, 1 सूखी लाल मिर्च और इसे हल्का फ्राई होने देंगे। साथ ही हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून घिसा हुआ अदरक और साथ ही यहाँ पे ऐड कर देंगे 4 हरी मिर्च और इसे अच्छी तरीके से फ्राई होने देंगे। देखिए अब ये हल्का फ्राई हो चुके हैं, तो हमने जो कढ़ी का बैटर तैयार करके रखा था उसे यहाँ पे डाल देंगे।
कढ़ी को इसमें डालने के बाद हम गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और इसे लगातार चलाएंगे जब तक कि इसमें एक अच्छी उबाल ना आ जाए। हमने अगर एक मिनट के लिए भी चलाना छोड़ा तो कढ़ी फट जाएगी, और काफ़ी लोगों की यही शिकायत होती है कि कढ़ी फट जाती है। देखिए, थोड़े देर ही हुए हैं अभी हमें इसे लगातार चलाते हुए, उबाल तो नहीं आया लेकिन हल्दी का कितना अच्छा कलर आ चुका है। लेकिन अभी भी हमें इसे लगातार चलाते रहना है। देखिए अब कढ़ी में कितनी अच्छे तरीके से उबाल आ चुका है। तो हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसे इसी तरीके से 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ही अच्छी तरीके से पकने देंगे। हमने कढ़ी में अभी तक कहीं भी नमक नहीं डाला था, तो हम यहाँ पर साथ ही 1 टेबल स्पून नमक डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें। हमने दही डाला था, दही से भी हल्का खट्टापन आता है, आप इस बात को ध्यान रखते हुए ही नमक को डालें। कढ़ी को पकते हुए लगभग 15 मिनट हो चुके हैं और कढ़ी भी देखिए हल्का गाढ़ा हो चुका है और इसका टेक्सचर कितना स्मूथ आया है। मेरे टिप्स को फॉलो करते हुए आप भी एक बार ज़रूर कढ़ी पकौड़े की रेसिपी को तैयार करें। आपसे भी सेम इसी तरीके की स्मूथ कढ़ी बनके तैयार होगी। हमने जो पकौड़े तल के रखे थे उसे भी यहाँ पर डाल देंगे और इसे बस 1 से 2 मिनट तक और पका लेंगे। पकौड़े डालने के बाद हमें कढ़ी को ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, नहीं तो पकौड़े ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। बस इसमें एक अच्छी उबाल आने का इंतज़ार करना है और गैस को ऑफ कर देना है। गैस को ऑफ करने के बाद हम इसमें तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल और इसे गर्म कर लिया है। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर और इसे एक बार अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इससे कढ़ी में कलर बहुत सुंदर ही आता है और इसका टेस्ट भी बहुत बढ़ जाता है। अब इसे हम 5 मिनट के लिए ढक देंगे। देखिए हमारा कढ़ी दिखने में कितना लाजवाब लग रहा है। तड़का लगाने की वजह से इसका कलर बहुत ही सुंदर निखर के आता है। तो चलिए इसे अब हम सर्व कर लेंगे। आपको मेरी इस कढ़ी पकौड़े की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं जल्द ही एक और टेस्टी रेसिपी के साथ।